ये तो हद हो गई, ये तो हद ही हो गई। कसम परवरदिगार की, आज मैं अगर साइंस दाना होकर कोई जेब कतरा होता तो रुबिया मैं तुम्हारी हयात का कैलेंडर फाड़ देता। रुबिया, रुबिया! क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? कहीं हाथ पैरों पर तेजाब तो नहीं गिरा लिया? हाथ पैरों पर तेजाब नहीं गिरा है बेगम, तेजाब तो हमारे दिमाग पर गिर गया है। हमने कितनी बार तुमको कहा है कि यहाँ कोई नहीं आया करे, कौन आया था लेबोरेटरी में? मुझे क्या पता कौन आया था? मैं नहीं पता कौन आया था, सब पता है तुमको कौन आया था। अजीब आदमी हो आप भी मियाँ, आप रात हो या दिन कहीं पर भी कोई सा भी चश्मा लगा लेते हो। खैर मुझे तो ये बताओ कि मेरी इस लेबोरेटरी में कौन आया था। अजी हमें क्या पता यहाँ कौन आया था, मैं तो अपने टूटे हुए बालों का गुच्छा फेंकने भी यहाँ नहीं आती। वैसे हुआ क्या? हुआ क्या है, ये देखो इस तारीखी किताब के अंदर ये लहसुन और प्याज का पर्चा कहाँ से आया है? कहाँ से आया ये पर्चा? कहीं इस किताब का कोई वर्क तो नहीं फाड़ दिया तुम लोगों ने? क्या मैं आपको सौदाई लगती हूँ? अरे मैं भी प्रोफेसर आजम खलीली की बेटी हूँ, किताबों की इज्जत कैसे की जाती है मुझे मालूम है। और वैसे भी पिछले कई वर्षों से इस लेबोरेटरी में धंसे हुए हो, कॉलेज से भी छुट्टी ले रखी है, तनख्वाह भी नहीं मिलती, मगर यहाँ क्या मिला? ये कैसा तजुर्बा कर रहे हैं आप जो पूरा ही नहीं होता? मुझे तो लगता है एक एक करके हम सब पूरे हो जाएंगे, मगर आपका ये तजुर्बा पूरा नहीं होगा। याद रखना, जिस दिन मेरा ये इंसानी वजूद और सीरत बदलने का तजुर्बा कामयाब हो गया तो ये दुनिया मेरे पीछे होगी। और हाँ, तुम लहरा लहरा कर, लहरा लहरा कर कहोगी हत्ते खां मेरा खाबिज है। पता नहीं ऐसा दिन कब आएगा, अभी तो यही लगता है कि जमा पूंजी से ये घर कब तक चलेगा। तुम कैसी बातें कर रही हो रुबिया हैं? अरे मैं दुनिया चलाने की सोच रहा हूँ और तुम घर चलाने की बात कर रही हो। और सुनो, ऐसे तजुर्बों में अगर घर के बर्तन भी बिक जाए ना तो उस साइंटिस्ट को अकलमंद ही कहा जाता है। देखिए आपको जो तजुर्बा जितने सालों तक करना है करिए, मगर मेरे बाबर्ची खाने की तरफ अपनी नजर मत गड़ाइएगा। मेरी जिंदगी की दो ही पसंदीदा जगह है, एक मेरा बावर्ची खाना, दूसरा ब्यूटी पार्लर। मेरे घर के बर्तनों पर कभी अपनी मनहूस नजर मत रखना। बावर्ची खाने की बात तो तुम रुबिया ऐसे कर रही हो जैसे वहाँ काम करते करते तुम्हारी हड्डियाँ गल गई हो। कभी कुछ करती भी हो बावर्ची खाने में हैं? सारे दिन तो वो नजर मियाँ लगे रहते हैं और कभी कभी अम्मी कुछ पका देती है। तुम क्या पकाती हो, कुछ पकाती हो? मैं कुछ पकाती हूँ या नहीं ये सब छोड़िए, आप मेरा दिमाग मत पकाइए। मैं जा रही हूँ, नजर मियाँ को भेजती हूँ, उसी से पूछिएगा ये टमाटर और लहसुन की पर्ची यहाँ कैसे आई, वही सामान लाता है। हाँ ये ठीक है, तुम उसे ही भेज दो। पर ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? आपके दिमाग में ही कुछ आता तो इस तजुर्बे में इतने बरसों ना लगाते। मेरा तजुर्बा कामयाब हो गया। अब मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि फत्ते खां कितना ताकतवर इंसान है। अरे क्यों इतना उछल रहे हो, ऐसा क्या तीर मार लिया? देखो तुम मेरे हुनर पर सीता कसी मत करो, मेरा तजुर्बा कामयाब हो गया है, अब तो किसी पर इसे इस्तेमाल करना है, किसी पर इसे इस्तेमाल। क्या कहा, आपका वो मनहूस तजुर्बा पूरा हो गया, मगर ये बोलते हुए आप मेरी तरफ क्यों घूर रहे हैं? रुबिया मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है, तुम किस दिन काम आओगी? मेरी कामयाबी पर तुम भी तो आखिर। नजर मियाँ, नजर मियाँ, तुम भी तो आखिर। नजर मियाँ, नजर मियाँ,
आप तुम्हें बुला रहे हैं। अगर आप इतना हॉफ क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस तुम जाओ। हुजूर, आपने याद किया? हाँ, मैंने तुम्हें याद किया। बेटा, अपने दिमाग पर जोर डालकर और याद करके ये बताओ कि मेरी इस बेशकीमती किताब के अंदर ये लहसुन और टमाटर की लिस्ट कहाँ से आई? लहसुन और टमाटर की लिस्ट? हमने तो पिछले कई हफ्तों से लहसुन टमाटर देखा तक नहीं है, और आजकल हम तरकारी भी बिना लहसुन टमाटर के बना रहे हैं। तो नजर मियाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि आजकल तो तुम हमें उबला हुआ खाना परोस रहे हो। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं है। हम इनकी जगह दही और नींबू डाल देते हैं। अम्मा मियाँ, क्या घर में पैसे नहीं हैं? या फिर बाजार जाते वक्त रास्ते में तुम्हें कुत्ते काट लेते हैं? ये बात भी नहीं है हुजूर। दरअसल पिछले दिनों हमारी एक सब्जी वाले से कहा सुनी हो गई थी। मैंने उसे दो तमाचे जड़ दिए, तभी से वो 2 किलो का बाट लेके मेरी तलाश में रहता है। अरे, अब तुम मारपीट भी करने लगे हो हैं? अब ये बताओ कि सब्जी लेने बाजार कौन जाएगा? वो मैंने किसी के जरिए सब्जी वाले से सुलह कर ली है। अब कल से मैं ही सब्जी लेने जाऊंगा हुजूर। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे तो तुम ये बताओ कि मेरी इस किताब के अंदर लहसुन और टमाटर का पर्चा किसने रखा? सरकार, मैं तो इधर आया ही नहीं। हाँ, ये पर्चा बड़ी अम्मी के पास जरूर था, शायद वो। इसका मतलब अम्मी यहाँ आई थी? बेटे, हमारी अम्मी ने इस लेबोरेटरी में से कुछ खाया पिया तो नहीं? लगता तो नहीं, सब कुछ ठीक ठाक ही है। सब कुछ ठीक ठाक ही है? आखिर तुम समझते क्या हो, ये लेबोरेटरी कोई पोटेशियम साइनाइड का गोडाउन है जहाँ इंसानों को मारा जाओ तुम। अगर मैं इसे थोड़ा डरा था, थोड़ा धमका था, तो ये मेरा तजुर्बे वाला कंपाउंड ये केमिकल पी लेता। आखिर मुझे कहीं ना कहीं तो इसे टेस्ट करना ही होगा। देख लीजिए सर, अगर आपकी ये बनाई हुई दवाई किसी पे उल्टा सीधा असर कर गई तो लेने के देने ना पड़ जाएं। मेरे बासु, उल्टा या सीधा तो तब मालूम पड़ेगा जब इस दवाई को कोई पिएगा। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि ये दवाई टनाटन बनी है, इसका असर भी टनाटन होगा। तुम्हें मेरी जात पर यकीन नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि ये दवाई, अब मेरा मतलब है शरबत का तजुर्बा किस पे किया जाएगा, आखिर कौन पिएगा इसे। वैसे बासु, पुराने जमाने में ये काम शागिर्द ही किया करते थे। काम क्या, वो तो उस्ताद के लिए अपनी जान तक दे देते थे। ये बात आप मेरी तरफ देखकर क्यों कह रहे हैं सर? क्या आप चाहते हैं कि ये दवा यानी शरबत मैं पी लूं? ना ना बासु, ये मैं तुमको खुद नहीं कहूंगा, वो दीगर बात है। अगर तुम्हारे अंदर उस्ताद के लिए वफादारी का तूफान उमड़ रहा है तो ये हक तुम मुझसे हथिया सकते हो। अब मैं तो आपका स्टूडेंट रहा हूँ सर, अब भला मैं आपका कोई भी हक कैसे हथिया सकता हूँ? यानी कि ये तो ये बात हुई कि दवाई इजाद भी मैं करूँ और उसका तजुर्बा भी मैं अपने ऊपर करूँ। बासु, यही मौका है अपने खानदान का नाम रोशन करने का। नहीं नहीं सर, मैं नहीं पीऊंगा, मैं अपने हाथों खुद जहर नहीं पी सकता सर। ठीक है, मैंने तुम्हें बख्श दिया, ठीक है। मगर बासु, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अब कौन सा आइडिया आ गया सर? अरे पहले सुन तो लो, तुम तो पहले ही रोना धोना शुरू कर देते हो यार। देखो बासु, जरा आराम से सोचो और सोचकर बताओ कि तुम्हारे खानदान में या दूर के रिश्ते में कोई बुड्ढा ठुड्ढा, कोई बुढ़िया सुढ़िया, कोई औरत मर्द है? क्यों ना कुछ पैसा देकर, समझ रहे हो ना, क्यों ना कुछ पैसा देकर उन पर तजुर्बा कर लिया जाए। अब कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं ऐसे कैसे किसी भी अच्छे खासे बुजुर्ग के साथ छल कपट कर सकता हूँ? अरे अच्छे खासे बुजुर्ग की बात कौन कर रहा है बासु? मैं तो एक किसी ऐसे उम्रदराज आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी जिंदगी के खत में बस 2-4 लाइन बाकी हो, अपना काम हो गया। मेरे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है सर,
लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर आप कहें तो कहूं। हाँ बताओ, कोई है नजर में? सर वैसे अम्मी भी तो अच्छी खासी बूढ़ी हो गई है। चलो हटो, हट दूर हटो। यानी कि मैं अपनी अम्मी को ही ये दवाई पिला दूं हैं? अरे कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझे तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। वैसे मेरी अम्मी की एक बू बोली बहन है, वैसे तो कई सालों पहले निपटने की तैयारी में थी, अगर बच गई है तो वो मैं उन्हें ले आता हूँ। अल्लाह मुझे माफ करना, मैं तो ये सब काम इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। खाला अब तो तेरा ही भरोसा है। अरे फत्ते, तू आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया? खाला खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ऊपर से तुम्हारा बुलावा नहीं आया, नहीं तुम तो निकल लेती। अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे आज ही बुला ले, अब अकेले यूं पड़े पड़े मैं किस काम की हूँ। कैसी बातें करती हो खाला। अरे अभी तो आपको बड़े काम करने हैं, आपको तो वो काम करने हैं जो मैं नहीं कर सका, मतलब आपको बड़े बड़े काम करने हैं। मैं ऐसा क्या कर दूंगी बेटे जो इस खिलखिलाती उम्र में तू ना कर सका? बता दूंगा खाला। तुम कुछ रोज हमारे साथ हमारे घर चल कर रहो, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ, तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ, खास तौर पे मैं तुम्हें कुछ पिलाना चाहता हूँ। अब ऐसी क्या आबे हयात पिलाएगा? खाला यही समझ लीजिए कि आबे हयात पिलाऊंगा। तुम तो चलने की तैयारी करो। अच्छा मैं सामान पैक कर रहा हूँ तुम्हारा। चलती हूँ। खाला के यहाँ आ जाने से खुश तो हो ना? हाँ खुश क्यों ना होंगी। अरे मैं तो चाहूंगी कि इस उम्र में वहाँ अकेली नहीं रहे आप, यहाँ हम सबके साथ रहें। वो तो ठीक है, पर अब इस उम्र में किसी पर बोझ बनकर क्यों रहूं? और जब सारी उम्र ऐसे ही काट दी तो अब इन आखिरी दिनों में क्या सोचना? खाला आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि आप यहाँ आकर रहें, पर आप ही नहीं मानती थी। पता नहीं आज आपसे इन्होंने क्या कहा जो आप मान गई। अरे मुझे फत्ते ने क्या कहना था, मगर हाँ आज ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही मान मुनवल कर रहे थे। और ये तो यहाँ तक कह रहा था कि मैं आपको आबे हयात पिलाऊंगा। क्या आपसे इन्होंने पीने पिलाने की बात कही थी? क्या बात है बेटी, अरे तुम तो ऐसी घबरा रही हो जैसे मेरे बेटे ने कोई बुरी बात कह दी हो। नहीं नहीं, आपने इनका दिया हुआ अभी तक कुछ पिया तो नहीं ना? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पिया, मगर अगर ये मुझे कुछ खिलाना पिलाना चाहे तो भला मैं क्यों एतराज करूंगी। नहीं नहीं, आपको अगर कुछ भी खाना पीना हो तो सिर्फ आप मुझसे ही मांगिएगा। आय हाय बेटी, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। अम्मी पिछले न जाने कई वर्षों से ये जिस दवाई को इजाद करने में लगे हुए थे अब वो इजाद पूरी हो चुकी है, मगर अब ये किसी पर उसका तजुर्बा करना चाहते हैं, इसीलिए ये पिछले एक महीने से ऐसा शख्स ढूंढ रहे हैं जिसे ये दवाई पिलाकर उसका असर देख सके। हाय अल्लाह, तो ये फत्ते उस दवाई का तजुर्बा मुझ पर करना चाहता था। देखा आपने फत्ते के दिमाग का शातिरपन। अरे फत्ते तू तो बड़ा चालबाज निकला रे, कहता था आबे हयात पिलाऊंगा। बाप रे मैं ना रुकती अब यहाँ, ला भाई मेरा थैला दो, मैं चली अपने घर। फ
तूने तो मेरी आय नाक ही कटा दी। कैसी बातें कर रही हो मम्मी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। देखना खुद आप लोगों को रोक रोक कर कहा करेंगी ये मेरा बेटा फट्टे है, फक्र करेंगी आप मुझ पर। यानी कि तू हमारी जान की कीमत पर ये शोहरत हासिल करना चाहता है? या अल्लाह, ये कैसा वक्त दिखा रहा है तू? चल बेटी तू। सब करे कराए पर पानी फिर गया, मगर जिस दिन मेरा दांव लग गया तो मैं इस रुबिया को ही दवाई पिला दूंगा। या खुदा, बचा लिया तूने, नहीं तो ये पुलिस वाले और ये पब्लिक मुझे भगा भगा के मार डालते। पिछले एक घंटे से भाग रहा हूं, गला ऐसे सूख गया है जैसे 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 सूखी लकड़ी। यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, किस चीज का कमरा है? अजीब सी महक आ रही है। ये अमीर आदमियों के हजार चोचले, हर चीज के लिए एक अलग ही कमरा होता है। दो घूंट पानी मिल जाता तो जान में जान आ जाती, कहीं जान ही ना निकल जाए। लगता है ऊपर वाले ने सुन ली, पानी मिल गया। महक है, लगता है ये भी अमीर आदमी को चोचले हैं, पानी भी खुशबू वाला पीते हैं। पहले पानी पी लूं फिर बाद में सोचूंगा। मैं के पानी में मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ पानी की तलाश में यहां आया था। सच में मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे मालूम है तू चोर है, मगर तूने ये शरबत पीकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आ जा मेरे घरे, लग जा, मेरी जिंदगी भर की कमाई। क्या बात है साहब, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या आप चोरी का माल खरीदते हैं? लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। अरे तुझे नहीं मालूम तेरे पास क्या है? तू चंद लम्हों के लिए ये फोटो देख ले बस। अरे फिर पुलिस से तो क्या, मैं तुझे तो आर्मी से भी बचा लूंगा। क्या है इस तस्वीर में? ये तो इसे देखने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या है। मुझे क्या हो गया साहब, ये मैंने क्या पी लिया?
बेटा तूने मेरी इज्जत की हुई दवाई पी ली है, और इस दवाई को पीने के बाद अगर उस आदमी को कोई भी फोटोग्राफ दिखा दिया जाए तो 5 सेकंड बाद वो उस जैसा ही हो जाता है। तू तू नहीं मेरे भाई, अब तू कुछ और है। अब मैं वापस अपने जैसा कैसे बनूंगा? अरे बड़ा आसान है, तू अपनी फोटो फिर दोबारा देख ले, अपने जैसा बन जाएगा। मेरे पास अपनी कोई तस्वीर नहीं, मेरी तो एक ही फोटो है, वो भी थाने में लगी है। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता।